हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ हिमा में आपका सर से दिल से स्वागत है। और मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है या नहीं है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे वीडियोस में रेसिपी और सिंगिंग ज़्यादा चलती है, तो फ़नी वीडियोस में डाल चुकी हूँ। क्या आपको फ़नी वीडियोस पसंद आए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर पसंद आते हो फ़नी वीडियोस तो और बनाएंगे आपके लिए फ़नी वीडियोस। तो आज का अपना विषय है प्राणी मात्रा की सेवा। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कह गए कि जो करे सेवा वो खाए मेवा, तो उसका यही मतलब होता है सेवा करोगे तो खाओगे मेवा। तो इसीलिए प्राणी मात्रा की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ससा यानी रैबिट कुछ उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कुछ उनके बारे में तस्वीर लेते हैं और वो वीडियोस मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। तो उनके वे छोटे से पिल्ले कैसे जन्म लेने के बाद कैसे दिखते हैं, तो चलिए मेरा आज के वीडियो में जैसे कि ससा यानी रैबिट हम ज़रूर उनका मतलब जो वो जो फील रहता है माँ बच्चे का, छोटे छोटे बच्चे, वो फील मैं आज आपको दिखाऊंगी। और उससे पहले एक छोटा सा गीत ज़रूर सुनिएगा। ममता के आंचल में जरा, ममता के आंचल में जरा, माँ मेरी माँ तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला। चलिए अभी ससा भी देखना है, उनके बच्चे भी देखना है। चलिए तो फिर तो आइए पिंजरे की तरफ देखिए। पिंजरे में है एक खरगोश और ये जो छोटी छोटी पिल्ले आपको दिख रहे हैं ना, ये खरगोश ने अभी अभी दिए हुए हैं। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बहुत ही छोटे पिल्ले हैं। इस तरीके से हमें अपने घर में अगर किसी भी प्राणी प्रजाति को लाया है तो उनकी सेवा भी करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से इन पिल्लों की सेवा माँ के साथ हो रही है। देखिए खरगोश किस तरह अपने बच्चों को लिए एक एक पत्ता दे रहा है। और बहुत धन्यवाद इन घर वालों की जिन्होंने इन ससा को, खरगोश को अपने घर में रखा है। थैंक यू सो मच। इंडिया में जितने भी घर है उन्होंने इस तरीके से अगर सेवा की है तो उन सभी का स्वागत है। धन्यवाद।